हेलो दिस इज इंदरजीत, वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। तो दोस्तों 25 दिसंबर 2020 ये जो अभी क्रिसमस गया है, इस पर एक फिल्म रिलीज होती है शकीला, स्टारिंग रीचा चड्ढा, पंकज त्रिपाठी इवन, और फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप होती है। शकीला जो एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस की बायोपिक है, शकीला ही नाम था उनका, तो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप रही वो फिल्म। बहुत सारे रीजंस थे क्योंकि अभी तक लोग उतना रेगुलर हुए नहीं हैं थिएटर्स को लेकर, थिएटर्स में आना जाना उतना नॉर्मली अब नहीं हुआ अभी तक, और ऑक्यूपेंसी की बहुत बड़ी दिक्कत है अभी तक कि कहीं 50% है, कहीं पर 30% है, कहीं पर 70% है, और भी बहुत सारे रीजंस थे जिसके कारण ये फिल्म फ्लॉप रही। सो रीचा चड्ढा मेरे ख्याल से पहली आर्टिस्ट हैं जिनकी लॉकडाउन के बाद दूसरी फिल्म थिएटर के अंदर आने वाली है, थिएटर्स में आने वाली है, दैट इज़ मैडम चीफ मिनिस्टर, जिसका ट्रेलर अभी अभी आया है दोस्तों। मैडम चीफ मिनिस्टर, इसके पोस्टर्स भी इससे पहले शेयर हुए हैं, शायद आप लोगों ने इग्नोर कर दिया हो, हो सकता है आप इसका ट्रेलर देखने के बाद भी इसे इग्नोर कर दो, बट ये फिल्म इग्नोरेबल नहीं है, इसीलिए मैं इसका ट्रेलर रिएक्शन कर रहा हूँ। सबसे बड़ा रीज़न जो इस फिल्म को यू नो खास बनाता है, दैट इज़ इट्स राइटर एंड डायरेक्टर, दैट इज़ सुभाष कपूर। सुभाष कपूर वही है जिन्होंने जोली एलएलबी 2, फर्स्ट गए रे ओबामा जैसी यू नो सटायरिकल कॉमेडीज दी हैं हमें, तो एक अलग सा कॉमिक एंगल होता है इनकी मूवीज़ के अंदर, एक अलग सा मतलब यू नो ड्रामा इनका काफ़ी अच्छा होता है, अगर मैं बात करूँ तो मैडम चीफ मिनिस्टर की, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर ड्रामा फिल्म है ये। ट्रेलर अभी अभी आ चुका है, आप लोग ट्रेलर एक बार देखिएगा जरूर, आपको हो सकता है कि चार चीज़ें अच्छी ना लगें, चार आपको लगेगा कि कोई उतना बड़ा चेहरा नहीं है या फिर वैसा प्लॉट नहीं दिया गया, एक मिडिल बजट फिल्म है, बट यस मैडम चीफ मिनिस्टर के अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा दोस्तों, और मैं ये सारा दाव खेल रहा हूँ इसके राइटर और डायरेक्टर सुभाष कपूर के ऊपर। स्टार कास्ट की बात भी अगर मैं करूँ तब भी कोई छोटी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि रीचा चड्ढा जो कि टाइटलर रोल के अंदर है, इनके अलावा सौरभ शुक्ला जी और मानव कौल जिनकी अभी नेल पॉलिश आई थी, और नेल पॉलिश के अंदर उन्होंने क्या उम्दा काम किया है। मानव कौल के बाद अक्षय ओबेरॉय जिनकी मैं पिछली 2-3 जो भी उनके कंटेंट देखा है मैंने, जो भी सीरीज या फिल्म देखी है, मैं उनकी बहुत तारीफें कर रहा हूँ। सो स्टार कास्ट वाइज भी ये फिल्म को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। रीचा चड्ढा का कुछ पास्ट एक्सपीरियंस अभी ठीक नहीं रहा, मतलब जो भी उनकी पिछली 1-2 फिल्में आई हैं वो कुछ खास नहीं चल पाई। मैडम चीफ मिनिस्टर को उतना बड़ा एक्सपोजर मिले ना मिले, उतनी बड़ी रीच मिले ना मिले, बट यस ये फिल्म कुछ ना कुछ तो इस फिल्म के अंदर होने वाला है। तो दोस्तों ट्रेलर से अगर स्टोरी का आइडिया लगता है वो ये है कि कहीं ना कहीं ये जो यूपी की सीएम रह चुकी हैं मायावती जी, उनसे इंस्पायर्ड है सारी की सारी स्टोरी, क्योंकि एक तो दलित वाला एंगल काफ़ी पकड़ा है जिसके अंदर रीचा चड्ढा खुद एक दलित परिवार से ही हैं, और वो एक बहुत ही यू नो दबंग टाइप लड़की हैं, और धीरे धीरे से फिर वो किस तरह पॉलिटिक्स में आ जाती हैं और उसके बाद चीफ मिनिस्टर तक बन जाती हैं, जिसमें भीम आर्मी या जय भीम ये सब टर्म्स भी यूज़ की गई हैं, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है फिल्म के अंदर। तो मायावती जी से ही कहीं ना कहीं बहुत सारे इंसिडेंट्स इंस्पायर्ड होने वाले हैं इस फिल्म के। सो ट्रेलर में आपको ये नहीं कहूँगा कि बहुत ऑसम ट्रेलर है, बहुत अलग लेवल का ट्रेलर है, हालांकि अभी 15 तारीख को तांडव आनी है प्राइम वीडियो के ऊपर, जो बहुत बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा होने वाला है, अगर उससे कंपेयर करें तो मैडम चीफ मिनिस्टर एक का कद काफ़ी छोटा रह जाता है उसके सामने। बट फिर भी लाइक जोली एलएलबी जब आई थी अरशद वारसी की, ट्रेलर देखने के बाद बहुत लोगों ने उसे दरकिनार किया था, बहुत लोगों ने इग्नोर किया था उसे, लेकिन जब फिल्म का ह्यूमर सामने निकल कर आया था और फिल्म का मुद्दा सामने निकल कर आया था, तो फिर हम सबको पता है कि जोली एलएलबी 2 के अंदर अक्षय कुमार को साइन किया था सुभाष कपूर ने। फर्स्ट गए रे ओबामा भी बहुत यू नो क्रिटिकली काफ़ी अच्छी फिल्म रही है और बहुत लोगों को पसंद भी है वो फिल्म। सो मुझे लगता है कि मैडम चीफ मिनिस्टर के बारे में भी हमें चांस लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह की मूवीज़ को अक्सर इग्नोर करके हम इस तरह के डायरेक्टर्स को और इस तरह की जो कास्ट होती है बहुत एक यू नो जो टैलेंट होता है उनको हम कहीं ना कहीं दबा देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। सो गाइस मैडम चीफ मिनिस्टर 22 जनवरी को आने वाली है थिएटर्स के अंदर। मैं ये नहीं कहता कि 22 जनवरी को ही मैं फिल्म देख लूँगा, क्योंकि 22 जनवरी को अमित शाह की जिद सीरीज आनी है और 22 जनवरी को दवाई टाइगर भी आनी है स्टारिंग प्रियंका चोपड़ा एंड राजकुमार राव, तो वो चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सीरियसली फ्रेंकली। तो हो सकता है मैं इसे 23 को देखूँ या 24 को देखूँ, बट मैं फिल्म देखूंगा जरूर, क्योंकि मैं पहले गलती कर चुका हूँ जोली एलएलबी के टाइम पे, दोबारा नहीं दोहराना चाहता। सो गाइज ये था मेरा मैडम चीफ मिनिस्टर को लेकर ट्रेलर रिएक्शन। अगर आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो एक चांस दीजिए, इसे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हैं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल द लास्ट रिव्यू। सो मिलता हूँ जल्दी अगली किसी वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।